हाँ ये कंप्यूटर सेंटर है। अच्छा सुनो बता दे, एक कंप्यूटर सेंटर है, देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में जो होता है हम लोग का यहाँ पे एडमिशन होता है। देखते हैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, चलिए अंदर जाने के बाद हम फोटो खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं NIT पटना का कंप्यूटर सेंटर है, जहाँ पे हम लोग का फर्स्ट ईयर में रिपोर्टिंग होता है और यहाँ पे से प्लेसमेंट के लिए एग्ज़ाम जितना होता है सब इसी में होता है। इसी के अंदर जाके हम दिखाता हूँ, ये कंप्यूटर सेंटर है। इसके अंदर तो नहीं जा सकता हूँ आज क्योंकि रविवार है, तब पर भी हम दिखा देता हूँ कुछ इमेज खींच के। चलिए आइए देखिए आप लोग ध्यान से। देख सकते हैं आप इतने अच्छा पार्किंग किया गया है। चलिए दिखाता हूँ, यही जो है कंप्यूटर सेंटर यहाँ पर लिखा हुआ है। देख सकते हैं गेट है यहाँ पे, यही है कंप्यूटर सेंटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर सेंटर है। ऊपर तक का इमेज हम दिखा रहे हैं आपको, ये गेट है। गेट वैसे आज खुला हुआ है परंतु वर्किंग कंडीशन नहीं है क्योंकि आज संडे है, इसीलिए हम अंदर तो नहीं जा सकते हैं। बाहर से दिखा रहा हूँ, अच्छा से इमेज आ रहा होगा इसमें। चलिए देखिए आप लोग अच्छा से। चलिए हम इसमें से अब निकलते हैं, चलते हैं फिर फील्ड की तरफ जा रहे हैं। अभी पूरे बहुत बाकी है, पूरे दिखाऊंगा आप लोग का पूरे डिपार्टमेंट वाइज। देखिए ये डॉग यहाँ पे किस अंदर में है, एक डॉग है जो इधर जा रहे हैं। चलिए दिखाता हूँ आप लोग का, ये प्ले ग्राउंड है। देखिए इसमें खेलने के लिए घूमने फिरने के लिए है। यहाँ पे जो मेन बिल्डिंग का ये अपोजिट साइड जो ये बिल्डिंग जो दिख रहा है आप लोग का, देखिए पूरे में एसी सिस्टम है, सभी में एसी लगा हुआ है, पूरे फुल्ली एसी है ये सब। जब कॉलेज खुलेगा फिर से तो आप लोग के फिर से हम दिखाऊंगा, रीओपन होगा कॉलेज तो हम दिखाऊंगा। इतनी खूबसूरत कॉलेज का इंटीरियर पोर्शन डिजाइन है। देखिए जो लड़का लोग खेल रहा है, जो वॉलीबॉल के लिए ग्राउंड बनाया गया है, वो जो पहले जो दिखाए हैं वो जो था क्रिकेटर के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए है, और ये जो है वॉलीबॉल खेलने के लिए। देखिए लड़का लोग खेल रहा है इसी में, वॉलीबॉल के लिए है। यहीं पे प्रोग्राम होता है, फ्रेशर पार्टी होता है, फर्स्ट ईयर में होता है हम लोग को, इसी में होता है। चलिए दिखाता हूँ इसमें इंटीरियर पोर्शन कितनी खूबसूरत बनाई गई है। वो बिल्डिंग जो आप लोग को देख रहा है ये लंबाई वाले, ये गेस्ट के लिए होते हैं। जितने यहाँ पे मिलने आते हैं पेरेंट जो आते हैं दूर दूर से आते हैं, उन सभी को लिए यहाँ पर बनाया गया है। देखिए ये पार्किंग दोनों तरफ कितनी खूबसूरत है, जो देखने में इतनी अच्छा लग रही है। देखिए देखिए आप लोग पार्किंग खूबसूरत है, कैंपस NIT पटना का यह कैंपस है। चलिए आप लोग के लिए हम दिखा रहा हूँ, कितनी खूबसूरत दिख रहा है, देख सकते हैं लड़का लोग यहाँ पे मैच खेल रहा है ये लोग, जबकि है ये है वॉलीबॉल के लिए है। देखिए यहाँ पे वॉलीबॉल का इस साइड भी लगा हुआ है, एक उस साइड भी होगा, स्टैंड लगा हुआ है दोनों तरफ लगा हुआ है, परंतु आज लड़का लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है इसमें। देख सकते हैं ये पार्किंग किया गया है, पूरे एकदम दोनों तरफ है पार्किंग के लिए व्यवस्था किया गया है, खूबसूरत पार्किंग भी है इसमें। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं दूसरी तरफ, कॉलेज के हम अपोजिट साइड चलते हैं, अब उस साइड भी देख सकते हैं। इतनी अच्छा वीडियो और है, आप लोग आनंद ले लीजिए, देखिए खूबसूरत इमेज आ रही है। NIT पटना का ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड नहीं, ये बैक साइड है जो आप देख रहे हैं, जो ये बैक साइड है मेन बिल्डिंग का। देख रहे हैं बहुत पुराना बिल्डिंग बना हुआ है, पुराना मॉडल का। अच्छा से हम ये खींच रहा हूँ, देख लिया आप लोग, ये पार्किंग है कॉलेज के अंदर इंटीरियर पोर्शन में, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, कितनी अच्छे हरा खाए पैर है, देखिए देखने में कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम ऑफ कर रहा हूँ इससे होके।